एक्चुअली बेटियां जितनी होती हैं ना, वैसे भी बाप को बहुत प्यारी होती है, तो गर्मा की हर चीज हर बात मैं उसको बता ही नहीं सकता कि उसकी ये खूबी है ये खूबी है। लेकिन हाँ, मतलब जब मैं घर पहुंचूं तो घर पहुंच के वैसे भी बच्चों को देखो तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, थकान भी निकल जाती है, बट गर्मा आके मेरे से गले मिले तो लगता है शायद ना 10-5 दिन की थकान निकल गई। बचपन से उसको अपने गोदी में अपने गले से, मतलब लगा जैसे मैं पैदा हुई थी जब, तो मुझे लगा जैसे मेरे घर में एक छोटी सी गुड़िया, मेरी परी, मेरी रानी, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ। और बड़ी हुई तब तक सब कुछ, लेकिन अब वो जैसे जा रही है तो जैसे लगता है ना दिल निकल के जा रहा ऐसा। से मतलब भाई बहन से ज़्यादा दोस्त की तरह रहे हैं, खूब मस्ती मारी है, बाहर घूमना, मैं लेट नाइट हूँ तो दरवाज़ा खोलने वाली वो होती है, उसकी कोई गलतियाँ होती है और मुझे छुपाने वाला मैं होता हूँ, और कहीं जाना है भैया ये भैया वो, तो कहीं ना कहीं से करता है कुछ, तो हर चीज़ मिस हुई। छोटी बहन के तौर पे देखा, मैंने उसे कभी नंद नहीं सोचा। लाइक मेरी एक छोटी सिस्टर है, दोनों बराबर की सी हैं, और मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं सोचा। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब कभी मेरे को लगा ही नहीं कि वो मेरी नंद है। अभी हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप रहा ही नहीं जो नंद भाभी वाला। Innocent and he's very understanding. जब first time उनको देखा था, I was attracted by his eyes because it speaks something. दिन शगना दा चढ़े आओ सखी ओनी वेड़ा सजेया हाँ मेरा सजना
मोमेंट में कहूँ क्या, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, लेकिन हाँ लाइफ का सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ की है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो गुडू नहीं मैनेज कर पाएगी फॉर सम टाइम। उसके लिए ये बिलीव करना, एक्सेप्ट करना कि बुआ बुआ चली गई है, चली गई है, उसके लिए चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। Yeah.